समुदाय की बहन बेटी होने के नाते और साथ ही साथ भील प्रदेश की बहू होने के नाते मेरा ये अधिकार बनता है कि अपने समुदाय के लिए जो भी अधिकार हो और जो भी आदिवासियों पर अत्याचार हो उसके लिए बोलना मेरा अधिकार बनता है। आज हम लोग यहाँ पर कलेक्ट्री में एकत्रित हुए हैं, अपने आदिवासी भाई प्रकाश भील को न्याय दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भाइयों, कलेक्टर महोदय जो है वो भारत का संविधान नहीं जानते हैं, तो हम लोग आज यहाँ पे उनको भारत का संविधान बताने के लिए पढ़ाने के लिए। वह भारत का संविधान नहीं जानते, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के संविधान में, कानून में, संविधान में जो भी जमीन के अधिकार हैं, आदिवासियों के जमीन के अधिकार है, वो कलेक्टर महोदय नहीं जानते हैं। इसलिए भू माफियाओं के साथ मिलकर हमारे भीलों की जमीन वो छीन रहे हैं और आज हम उनको यह अधिकार और कानून बताने के बावजूद भी आने वाले दिन में आदिवासियों पर, हमारे भीलों पर यह अत्याचार बढ़ता ही जाए तो हम उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी घसीटने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके पहले भी हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई सारे पिटीशन दायर किए जहां पे कलेक्टर महोदय को खड़ा होना पड़ा है, तो कलेक्टर महोदय ये समझ ले कि वो कानून संविधान की कसम खा के आते हैं, वो अपने अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते और हम आदिवासियों को जितने भी अधिकार प्राप्त है वह अधिकार हमको संविधान के तहत है और हम आदिवासी, हम भील जो है वह संविधान का पालन करते हैं। अगर नहीं कर रहे होते तो आज हमारे समुदाय में एक जो प्रथा है मत्था मड़ा की, ठीक है, मत्था मड़ा का मतलब होता है सर के बदले सर। अगर हम संविधान नहीं मान रहे होते तो जिन लोगों ने, जिन भूमाफियाओं ने हमारे प्रकाश भील का पैर काटा तो हम भी उनका पैर काट चुके होते। लेकिन चूंकि हम संविधान कानून का पालन करते हैं और साथ ही साथ में हमारे जो अगुआ जन ने बोला भी है कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, आपको आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की आवश्यकता है। यही कारण है कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण, इतनी बड़ी भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ पे एक भी तरह का, आदिवासियों के बीच में एक भी हथियार नहीं है, वो लोकतंत्र तांत्रिक तरीके से बैठे हुए हैं। पुलिस वाले लाने नहीं दिए रे वहाँ। तो कलेक्टर महोदय के समक्ष हम कुछ और मुद्दे भी रखने वाले जिसके लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो आपका जो नगर निगम के नाम पे आदिवासियों की भूमि जो लगातार लूटी जा रही है, अगर कलेक्टर महोदय संविधान जानते हैं तो आर्टिकल 243 ZC के माध्यम से वो यह बताए कि नगर निगम यहाँ पे किस तरह से लीगल है, नगर निगम यहाँ पे इलीगल है, तो आदिवासियों की जमीन किसी भी तरीके से लूटना बंद करे। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हम आज तक कानून संविधान का पालन करते आए हैं और किसी भी तरह से हमारे भीलों की जमीन अगर लूटी जाती है तो आदिवासियों की ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होनी चाहिए, ये हम उनको सिखा देना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो है आपके जो राज्य सरकार की जो लिखित रिपोर्ट कह रही है, वहाँ से जयपुर से आया हुआ लेटर कह रहा है, ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि उदयपुर में यशोदा बाई और वानी बाई की नसबंदी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो गई, ठीक है। इस मुद्दे पर हम कहना चाहेंगे कि पूरे भारत भर में सबको जग जाएगा, पूरे भारत भर में भीलों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और एक डेटा रिपोर्ट के अनुसार भीलों को, भीलों के बीच में ही नसबंदी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो हमको ये जानना है कि हमारी बढ़ती जनसंख्या से लोगों को, सरकार को क्या दिक्कत है जिस कारण से नसबंदी का प्रोग्राम हमारे बीच में ही चलाया जाता है, तो यह नसबंदी का प्रोग्राम खत्म होना चाहिए। साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी तरह के हम मुआवजा की मांग कर रहे हैं, ठीक है, ये मुआवजा की मांग को आप पूरी करिए, साथ ही साथ में जो आपका जितने भी कानून संविधान में लिखित बातें हैं उन सभी बातों का पालन करें। तीसरी बात है कि
जो हमारे आदिवासियों के बीच में, हमारे भीलों के बीच में, जो कलेक्टर महोदय कहते हैं कि हम यहाँ पे कानून संविधान का पालन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि जब आदिवासियों के जो भी रूढ़ी परंपरा है, उनकी पहाड़ व्यवस्था है, उसके अंदर में जो कानून व्यवस्था, गांव के अंदर की कानून व्यवस्था को संभालने का अधिकार और पावर आदिवासियों को दिया गया है, तो वहां पर पुलिस वहां पे इंटरफेयर क्यों करती है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके संविधान में लिखित है, संविधान के 5वीं अनुसूची में लिखा है कि गांव के अंदर की व्यवस्था को गांव ही संभालेगा, वहां पे कोई बाहरी पुलिस इंटरफेयर नहीं करेगी। ये मेरे पास में लिखित लेटर आया हुआ है। हमारे जो विधायक महोदय है राम प्रसाद जी डिडोर, उन्होंने लिखित रूप में जो आदिवासियों पे लगातार मुकदमे पे मुकदमे होते जा रहे हैं, इसके मामले में आपका जो राज्य सरकार को लेटर लिखा, कार्मिक विभाग को लेटर लिखा, और बदले में जो जवाब आया, उस जवाब में उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर गांव जो है, अपने जो मुद्दे है, गांव के अंदर का किसी भी तरह का क्राइम होता है, उसको खुद जाके थाना में नहीं लिखवाता है, तो कोई भी पुलिस यहाँ पे नहीं आएगी। ये पावर दिया गया गाँव को। साथ ही साथ में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, प्रश्न किए थे कि आदिवासियों के बीच में जो लगातार FIR पे FIR किए जा रहे हैं, इसको खत्म किया जाए, तो इस पे जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे आदिवासियों की गांव अगर बैठती है तो वो गांव में ही वो मैटर को निपटारा हो जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, खुद ब खुद जाके थाना में FIR करवाते हैं, तो ये अगर बंद हो जाए तो हम पे जो रोज के रोज FIR हो रहे हैं वो भी बंद हो जाए। चौथा मुद्दा ये है कि जो आदिवासियों की जो विवाह व्यवस्था है, जो छोटे छोटे मुद्दे पे हम क्या करते हैं कि मियां बीवी में आपस में झगड़ा हो जाता है तो मामले को ले जाते हैं कोर्ट में, जबकि कोर्ट भी यहाँ पे बोलता है कि आदिवासियों की जो पाल व्यवस्था है, भीलों की जो पाल व्यवस्था है, उसी पाल में आदिवासियों के जो लड़ाई के, जो शादी विवाह के जो मुद्दे है, वो उन्हीं पे निपटारा होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, ये सारे मैटर को कोर्ट कचहरी में लेके जाते हैं। तो इस तरह से जो 70 साल से हम पे जो फर्जी FIR हो रहे हैं, ठीक है, ये FIR होने का कहीं पे भी कानून नहीं है, कहीं पे भी संविधान नहीं है, लेकिन फिर भी हम पे फर्जी अत्याचार होते जा रहे हैं, तो इस पे भी हमको आगे जाके कलेक्टर महोदय से सवाल करना है। तो बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी, इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। साथ ही साथ मैं फिर से कहना चाहूंगी कि कलेक्टर महोदय अगर हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो आगे जाके हम उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने भी खड़े करेंगे। बहुत बहुत जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी।